हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टूर्स ट्रैवल हैक्स एंड दिस इज़ आवर हैदराबाद ट्रैवल सीरीज। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको दिखाया था डे टू इन हैदराबाद इंक्लूडिंग नेहरू जू एंड गोलकुंडा फोर्ट, और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टुडे इज़ आवर डे थ्री इन द निज़ामों का शहर। तो आज हमने सोचा कि चलो ये निज़ामों की लाइफ और हिस्ट्री को थोड़ा करीब से जानते हैं, और हम आ गए इनके पैलेस में जिसका नाम है चौमल्ला पैलेस। चौमल्ला पैलेस वॉज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ निज़ाम्स इन हैदराबाद। अभी ये जो पैलेस है वो म्यूजियम में कन्वर्ट किया हुआ है एंड द एंट्री फीस आर 100 रुपीज़ पर पर्सन। चौमल्ला पैलेस के बाद अभी हम आए हैं सलारजंग म्यूजियम पे। यह चौमल्ला पैलेस से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है एंड द एंट्री टिकट्स आर 500 रुपीज़ पर पर्सन, और यहाँ पे कैमरा या मोबाइल के लिए अलग से 150 रुपीज़ पर डिवाइस चार्ज किए जाते हैं। सलारजंग म्यूजियम ओरिजिनली एक प्राइवेट आर्ट कलेक्शन है जो सलारजंग फैमिली को बिलोंग करता है, एंड राइट नाउ इट इज़ अ नोटेबल नेशनल म्यूजियम आफ्टर डेथ ऑफ सलारजंग थ्री। इस म्यूजियम में हमें स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, सिरामिक्स, मेटालिक आर्ट्स के अलग अलग डिज़ाइंस देखने को मिल जाएंगे। Watching these collections was such a treat for our eyes, so this is a must visit spot for art lovers. तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम आए हैं चार मीनार पे टू स्पेंड आवर रेस्ट ऑफ द इवनिंग।
चारमीनार इज़ द सेंटर ऑफ हैदराबाद। चारमीनार के अराउंड मोती बाज़ार, लाड बाज़ार ऐसे बहुत सारे फेमस मार्केट्स हैं और बहुत सारे ओल्ड रेस्टोरेंट्स और बेकरीज भी यहाँ पे हैं, तो आप आपकी पूरी इवनिंग यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। सो दिस वॉज आवर डे 3 इन हैदराबाद। स्टे ट्यून्ड फॉर डे 4 व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।